सुमेर गजमंडी में अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद 3 दिन से कर रहे थे ग्रामीण प्रदर्शन। प्रशासन व जनता के बीच वार्ता में बनी सहमति। इंद्रगढ़ तहसील क्षेत्र के सुमेर गजमंडी में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद आक्रोशित ग्रामीण 3 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान तहसील कार्यालय में लाखेरी उपखंड अधिकारी कैलाश चंद गुर्जर, इंद्रगढ़ तहसीलदार राजेंद्र कुमार मीणा, लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक दिलीप मीणा, लाखेरी थाना अधिकारी सुभाष चंद शर्मा, इंद्रगढ़ थाना प्रभारी दिनेश शर्मा व सुमेर गजमंडी वासियों के बीच तहसील कार्यालय में वार्ता हुई। वार्ता में सहमति बनी कि किसी भी प्रकार का कस्बे वासियों द्वारा रोड जाम नहीं किया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार होगी। जबकि प्रशासन व कस्बे वासियों के बीच लगातार 3 दिनों से वार्ता चल रही थी। प्रशासन व जनता के बीच सहमति बनने के बाद लाखेरी उपखंड अधिकारी कैलाश चंद गुर्जर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन जनता को दिया। सुमेरगंज मंडी स्टेशन के लोग आए थे हमारे पास और उन्होंने उच्चाधिकारी को शिकायत की थी कि प्रताप सर्कल से सुमेरगंज मंडी स्टेशन तक अस्थायी अतिक्रमण हो रखा है। उसी के रिगार्डिंग हमने टीम भेजकर पीडब्ल्यूडी का रोड था, स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्थायी जो अतिक्रमण था टिन शेड गुमतिया उनको हमने हटाया और रोड क्लीन करवाया, क्लियर करवाया। उन लोगों की ये शिकायत थी कि उनको कि हमारा जो अस्थायी अतिक्रमण था, तो शुरुआत में लोगों को रहता है इस तरह का विरोध करना, लोग समझाइश हो चुकी है, उनको हमने बता दिया कि रोड चौड़ा हो रहा है, आवागमन असुविधा हो रही थी, कई लोगों की शिकायत थी, तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई है। उनसे बैठ के बात की तो उन लोगों को गुस्सा था कि हमें बिना सूचना के बिना इसके नोटिस के ये हमारा जो इंक्रोचमेंट था वो हटा दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने पीडब्ल्यूडी का रूल था, पीडब्ल्यूडी ने पूरा उसके रूल रेगुलेशन पालन किए है, उसने मुनादी भी कराई है, नोटिस भी दिए है और किसी तरह का कोई इनको सूचना हो रही है। 1-1.5 महीने से चल रहा प्रकरण, ये न्यूज़पेपर में भी आ रहा था। मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, मुकदमे किसी भी तरह